विश्व कोरोना की चपेट में है, भारत में भी अभी है अपने पैर पसार चुका है और 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस आपदा के समय में भी जो दिन रात अपने और अपने परिवार की चिंता ना करते हुए लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, वह हैं सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी तथा प्रशासनिक अमला। इन्हें कोरोना योद्धा का अगर नाम दिया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन योद्धा की सुध लेने वाले कुछ लोग ही हैं। करनाल में कुछ ऐसे समाज सेवी भी हैं जो इन योद्धा की सेवा में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं योद्धाओं के कारण ही हम आज सुरक्षित हैं। पुलिस दिन रात सड़कों पर तैनात होकर नियमों की पालना कराने में जुटी हुई है। भीषण गर्मी हो या फिर आंधी तूफान, यह अपनी ड्यूटी से निदारत नहीं हो सकते। इसी तरह से सफाई कर्मचारी भी दिन रात क्षेत्र में सफाई में जुटे हुए हैं। बीमारी और ना फैले इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला भी दिन रात अपने अपने काम में जुटा हुआ है, लेकिन इन योद्धा की सेवा कर रहे हैं। कुछ समाज सेवियों से समाचार एक्सप्रेस की टीम ने बातचीत की, आप भी देखिए यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि अगर आज के युग को कोरोना युग कहा जाए या इस वर्ष को कोरोना का वर्ष कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए कुछ समाजसेवी संस्थाएं पिछले काफ़ी समय से करनाल में सक्रिय हैं, और ऐसी कुछ समाजसेवी हमारे साथ आज बात करने के लिए विशेष तौर पर मौजूद हैं, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों को जागरूक तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ उन्हें इस बीमारी के प्रति यह भी बता रहे हैं कि बीमारी को हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और इसके अलावा वो समाज सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, समाज सेवा में किस तरह का सहयोग दे रहे हैं, जनता को किस तरह का सहयोग दे रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है करनाल के वरिष्ठ समाजसेवी राजीव मल्होत्रा जी, जो कि फार्मा बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना बेशकीमती समय में से कुछ ना कुछ समय निकाल कर वो जनता के बीच में जानते हैं, जनता का सहयोग करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और किस तरह की आप मदद कर रहे हैं लोगों को? तरुण जी, मैं इसको मदद तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा सहयोग हमारी तरफ से है। होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन क्लब जो हमारा है, जिसके हमारे 24 मेंबर हैं, इसके साथ पंकज गाबा जी, प्रवेश गाबा जी और शीशपाल राणा जी, हम सभी ने मिलकर एक ये प्रयास किया है कि भी जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वक्त मुश्किल समय में अपने कार्य कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से उनकी हौसला अफजाई की जाए, और सभी मिलजुल के एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, देखिए सफाई कर्मचारी हों या पुलिस कर्मचारी और हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस, ये एक इस वक्त ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें उनकी जान को भी जोखिम है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए हम कुछ एक किट तैयार हमने की है होलसेल केमिस्ट डॉक्टर की सलाह के साथ, और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे करनाल के अंदर सफाई कर्मचारी हैं और पुलिस कर्मचारी हैं, उनको ये किट अवेलेबल कराई जाए। सर, कितने टाइम से आप ये प्रयास कर रहे हैं? ये सर अभी हमारा 10 दिन पहले ये शुरू हुआ है, और करीब करीब हमने 70-80% करनाल को कवर कर लिया है। सुबह हम 1 घंटा 2 या 3 बीट कवर करते हैं, और शाम को हम जितने भी पुलिस थाने हैं और वो उन सबको मिलके, और साथ में जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे जो ज़रूरी बात है कि भी कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण भी कई परेशानियां आ सकती हैं, तो उन परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए हम डॉक्टर्स को साथ में लेके जाते हैं। डॉक्टर्स उनको, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं, और जो किट्स हम बांट रहे हैं उनको सावधानी के लिए हम बताते हैं कि आपको इस तरह इसका यूज़ करना है। सर, आप किट में क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए सर, अभी हमने जो सफाई कर्मचारियों के लिए किया, तो हमने एक, तरुण जी, एक तो बड़े वाले हम हैंड ग्लव्स दे रहे हैं, ये वाशेबल रबड़ के ग्लव्स हैं, ये काफ़ी देर तक चल सकते हैं, तो 1-2 महीने इनको ये अगर रेगुलरली वॉश करेंगे तो काफ़ी हद तक जो इनको हाथों का जो भी संक्रमण हाथों से होता है उससे बचाव किया जा सकता है। ऐसे ही हम एक फेस मास्क दे रहे हैं, फेस मास्क में भी, ये भी कॉटन का फेस मास्क है, ये भी वॉशेबल है, और हमारे पुलिसकर्मी भाई और जो भी हैं उनकी वर्दी के साथ मैच भी करता है, तो कोशिश ये है कि उस तरह से किया है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम इलेक्ट्रॉल पाउडर दे रहे हैं, और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको हम ग्लूकोज पाउडर दे रहे हैं जिसमें विटामिन सी और जिंक का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही हम उनको विटामिन D3 के कैप्सूल दे रहे हैं और साथ में जिंक के कैप्सूल दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी किट है हमारी तरफ से, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में अगर वो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं तो हम सब भी उनके साथ खड़े हैं। और रादर, मैं तो एक आपके थ्रू एक करनाल की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि
देखिए आप वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, आप अननेसेसरी बाइंग के लिए बाहर ना आइए। देखिए जैसे ही हमारी प्रशासन जो कि बहुत बढ़िया कार्य कर रहा था और करनाल में नंबर ऑफ केसेस भी बहुत कम हो रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही लॉकडाउन के अंदर थोड़ी ढील दी गई, आई डोंट नो कि लोगों को क्या हुआ, एकदम से वो सड़कों पर आ गए और जो कि एक बर्डन डाल देगा, जो कि एक बर्डन डालेगा हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे नर्सिस के ऊपर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर और एट द सेम टाइम पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी। तो उनके ऊपर आप थोड़ा रहम करिए, वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए, सिर्फ असेंशियल सर्विसेज वाले बाहर आइए। जब कभी आपको कोई ज़रूरत है कि भी आपको चाहिए बाहर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बहुत कम नंबर में बाहर आइए। ये मेरी सर, ये थे हमारे सर राजीव मल्होत्रा जी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह का सामान ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं, सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, ये मास्क है, इसको वॉश किया जा सकता है, ये जो धूप में खड़े रहते हैं, सर्दी में खड़े रहते हैं, आंधी में, तूफान में, बारिश में खड़े रहते हैं, उनके शरीर पे कोई थकान महसूस ना हो उसके लिए इस कैप्सूल्स को दिया जाता है, ये पाउडर दिया जाता है उनको, ग्लूकोज पाउडर हम जिसे कह सकते हैं। तो ये बड़ा ही सराहनीय प्रयास है और इसके साथ साथ इन्होंने समाज से अपील की है, इन्होंने समाज से ये भी अपील की कि अगर आवश्यक है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन 4 की अवधि चल रही है। हम पहले भी आपसे ये आगाह कर चुके हैं कि ये करनाल की जनता इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रही, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपने साथ एक डॉक्टर्स की टीम लेके जाते हैं, वो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को, जो चाहे वो सफाई कर्मी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो कोई और कोरोना योद्धा हैं, उन सबको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है, आज वो हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर दिन रात 24 घंटे तैनात हैं। तो मैं एक बार फिर से राजीव मल्होत्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों एक और समाज से भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनको मैं उनका नाम नहीं मैं बताना चाहूँगा क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो और उनका परिवार पिछले कई वर्षों से करनाल की जनता की सेवा में जुटा है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे किसी का निजी काम हो, इनको दिन को आवाज़ लगाएं, रात को आवाज़ लगाएं, ये 24 घंटे जनता की सेवा के दौरान रहते हैं। अब मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ, ये है करनाल के वरिष्ठ नेता रह चुके श्री देशराज गाबा जी के सबसे छोटे से पुत्र पंकज गाबा जी। मैं इसे जानने का प्रयास करूँगा, पंकज जी आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना के इस टाइम? देखिए हमने 27 अप्रैल से एक ब्लड डोनेशन कैंप से शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में देखा था भी, उसमें आ रहा था भी लॉकडाउन के चलते इसमें ब्लड बैंक्स में खून की काफ़ी कमी आई हुई है। तो मेरे मन में आया भी क्यों ना हम अपना जो टीम है एक बार हम डोनेट करके आएँ। तो 27 अप्रैल को मैंने डॉक्टर संजय वर्मा से बात की, जो RBTC के हेड हैं, इंचार्ज हैं। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो मैं कहा हम 15-20 आने चाहते हैं। तो उन्होंने हमें पास प्रोवाइड किए, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का समय था और घर से निकलना भी मुश्किल था। तो हर पर उसके लिए डोनर के लिए पास इशू हुए। तो हम 15-20 युवक अपने साथी को मैं लेकर गया। तो हमने छोटा सा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। तो उसमें जब देखा भी थैलीसीमिया के बच्चे मेरे को दिखे वहाँ, छोटे छोटे, जिनके नीडल थी वो कभी निकलती भी नहीं होती नीडल, वो भी मेरे को उस टाइम पता चला। और थैलीसीमिया बच्चों से बच्चों को देखा भी मैंने पहली बार था उस टाइम, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको मैंने डॉक्टर से पूछा भी इनको क्या ऐसा, उन्होंने बताया भी इनको महीने में 2 बार ब्लड की ज़रूरत होती है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से पूछा भी ब्लड आ रहा है कि नहीं, वो कहते भी डोनर्स आ तो रहे हैं बट सिविल हॉस्पिटल से भी डरते हैं, इन्फेक्शन के डर से भी। तो फिर मैंने उस टाइम एक मन में एक चीज़ ठान ली, जब मतलब कि जितना हो पाएगा उतना, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। सर अभी तक आप कितने यूनिट एकत्रित करके उनको प्रदान कर चुके हैं? हमने फिर उसके बाद लगातार 7 कैंप लगातार लगाए हमने पर डे। तो भगवान की दया से हमें कमी नहीं आई, हर रोज़ डोनर्स आ रहे थे। अब तक हम 13 कैंप लगा चुके हैं, 13 कैंप में तकरीबन 350 के आसपास यूनिट डोनेट कर चुके हैं। आप युवा साथियों से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 3 माह के बाद रक्त को दान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रक्त आप दान करते हैं उसको किसी को चढ़ाने से पहले उसको भी जांचा जाता है, उसमें भी कई तरह की बीमारियों को जांचा जाता है। उसमें अगर आपको कोई बीमारी है तो प्रशासन आपको, जिनको आप ब्लड बैंक वाले, आपको सूचित कर देंगे कि आपके ब्लड में ये इन्फेक्शन है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है।
तो सर मैं ये कहना, आप क्या अपील करना चाहेंगे रक्तदाताओं को, रक्त करना चाहिए कि कितने लोगों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, इनको इस टाइम राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस टाइम के दौरान, कोरोना महामारी के संकट के दौरान सभी दलों को सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस नए कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए। और जैसे कि आपने ये कहा भी, उससे पहले टेस्ट होते हैं, तो ऐसा ही केस एक मैंने देखा भी, उसमें एक व्यक्ति को काला पी लिया था, तो उसको नहीं मालूम था, जब टेस्ट हुआ तो उसको पता चला भी इस व्यक्ति को काला पी लिया है, तो उनका भी एक तरीका है, तो वो उसको व्यक्ति को बताते हैं, इलाज भी यही करवाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, कोई उस पर चार्जेस नहीं होता। तो सबसे बढ़िया बात ये है भी इंसान को, उसको वो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक था, अगर वो जो ब्लड देने आया है तो वो इट मीन्स ठीक ही है, जब उसको टेस्ट हुआ तो उसको पता चला भी उसको काला पीलिया भी था। तो आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान रहेगा? फ्यूचर में ये निरंतर जारी रहेंगे ब्लड कैंप्स, जब तक डोनर्स आ रहे हैं। अब सैटरडे को हमारा एक गो ग्रीन की टीम है, नीफा की टीम, उनके सहयोग से एक हम सैटरडे को कैंप लगाने जा रहे हैं, तो होप ऐसे ही जैसी संस्था सामने आई है तो मैं ये चाहूँगा अभी और भी करनाल की जितनी संस्थाएं हैं वो भी निकलकर सामने आएँ इस नए कार्य के लिए। अब आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा भी रक्त दे, जो लोगों के मन में है जो डर है भी रक्त देने से ये हो जाता है, और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आपके एक ब्लड डोनेट करने से आप एक से तीन व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। उसमें भी तीन तरह के ब्लड्स वो लेते हैं, प्लेटलेट्स होता है, येलो ब्लड होता है, तो वो अलग अलग लेके जिसको जिसकी ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ दी जाती है। जैसे लोगों ने राशन बांटे थे, लोगों ने तो राशन बांटे, राशन की किटें बांटी, आपने इन चीज़ों को क्यों चुना? देखिए ये राजीव मल्होत्रा जी और प्रवेश गाबा जी और केमिस्ट एसोसिएशन, इनके एक मन में बात आई भी जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं और चाहे सफाईकर्मी हैं, वो दिन रात सेवा कर रहे थे, सफाई कर्मचारी करनाल को साफ सुथरा रखने का काम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा भी उनके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसा स्टेप होना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग हो, क्योंकि उन्होंने दिन रात लोगों के बीच में रहना, और पुलिसकर्मियों ने भी दिन रात नाके लगाकर लोगों के बीच में रहना, तो वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा भी इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, तो फिर इनके लिए सुरक्षा किट हमने डिसाइड किया भी सुरक्षा किट होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन D3 और मल्टी विटामिन, इससे इसके खाने से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होता है, तो उनको प्रोवाइड किया गया, और गर्मी, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो सफाई कर्मचारियों को ORS ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड किया गया, ऐसे ही पुलिस कर्मियों को भी सेम चीज़ यही प्रोवाइड की गई, और दूसरा उनके हाथों में ग्लव्स, क्योंकि इन्फेक्शन हाथ से ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे उसमें अपना सफाई में, कोई जैसे ये मास्क जैसे मैंने डाला हुआ है ये भी यूज़ एंड थ्रो वाला है, तो इसको भी कई लोग क्या करते हैं कूड़ा कटकट में फेंक देते हैं, क्या है, तो उन्होंने भी वो अपने हाथ से उठाना है, तो ये सोचा गया भी अगर उनको हाथ में ग्लव्स होंगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ये थे हमारे साथ मिस्टर पंकज गाबा, संवरिष्ठ समाज सेवी हैं करनाल के, ये भी इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे ही कहावत है रक्तदान महादान, इनके प्रयास इस कहावत को चरितार्थ करते हैं। इन्होंने बताया कि एक खबर को देखकर इनके मन में मन भावुक हो गया, जैसे इन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो कि थैलीसीमिया से ग्रस्त थे, पता करने पर पता चला कि उन्हें महीने में 2 बारी रक्त की आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें आसानी से रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे बच्चों की सेवा के लिए इन्होंने रक्तदान के एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया। जैसे इनका कारवां बनता गया, काफिला चलता गया, इन्होंने वो वाली कहावत को भी चरितार्थ कर दिया। अब तक ये 350 से ज़्यादा रक्त के यूनिट डोनेट करवा चुके हैं, खुद भी करते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी करें, और साथ ही इनका युवा लोगों से ये भी अपील है कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं चाहे राजनीतिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये समाज सेवा का समय है, राजनीति का समय नहीं है। तो और मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए सनी चौधरी के साथ, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।